हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, NEXT। ओके, ये NMC वेबसाइट पे अभी दो दिन पहले इसका एक सर्कुलर ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज हुआ है, तो जिसके अनुसार इसके पूरे रूल्स बताए गए हैं कि क्या इसमें चेंजेस हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते थे, यानी कि जो PG नीट होता था। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम किन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा और ये जो है कौन से एग्ज़ाम्स को रिप्लेस करेगा, यानी कि थर्ड MBBS फाइनल एग्ज़ाम Part 2 फाइनल एग्ज़ाम, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है उसका थ्योरी एग्ज़ाम, और जो है PG नीट को इसके बदले ये नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, और उसके कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने स्टेप्स में होगा, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे। पर इससे स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट रेगुलेशंस है, अभी ये जो है गैजेट में नहीं आया हुआ है। जैसे ही ये गैजेट में आ जाएगा, जब ये इसके पूरे फाइनल ऑथराइज्ड हो जाएगा, इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी ये ओपन पब्लिक नोटिस दी गई है फॉर 30 डेज़। तो अगर इसमें कुछ सजेशंस हैं तो शायद कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो अभी इस ड्राफ्ट रेगुलेशन के अनुसार जो आपको NMC.org वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो इसका मेन क्रक्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस नीट एग्ज़ाम इज़, और उसके कितने स्टेप्स हैं। तो ये जो नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम है, मेनली इसका पर्पस जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम का दो है। एक तो ये है, एक ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, यानी कि जो भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सो कॉल्ड MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, या इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, जो नए रेगुलेशन से 2019 में जो NMC यानी कि पुराना जो MCI था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एपेक्स बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन कंट्रोल करता है इंडिया में, उसके अनुसार ग्रेजुअल मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के तहत पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, यानी कि नया सिलेबस आया था, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ न्यू सिलेबस ऑफ CBME। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, MBBS सिलेबस में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आज के इस टॉपिक नेक्स्ट में, तो ये जो है फर्स्ट एक चीज़ है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है ये। तो इसमें क्या होगा, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम यानी कि ये कंपलसरी रहेगा तकरीबन आज की डेट में 650 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, और नियरली 90,000 MBBS सीट्स हैं। तो ये जो भी 90,000 या जो भी इसके नए नए कॉलेजेस के जो भी अभी डॉक्टर्स हैं जो फाइनल MBBS में आएंगे, तो वो एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए, यानी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में, उन्हें ये नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना होगा। ओके, इसके कितने परसेंट लाना है, क्या है, अभी हम डिस्कशन करेंगे। यानी एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा ये एक तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, जो PG नीट एग्ज़ाम होता था, यानी कि जो PG में एडमिशन होता था MD MS के लिए, जो कि ब्रॉड स्पेशलिटी कहते हैं, जैसे कि MD मेडिसिन है, MS जनरल सर्जरी है, ओके, MS ऑफ्थाल्मोलॉजी, MS ओटोराइनो लैरिंगोलॉजी, डेट इज ENT, MS ENT, MD एनेस्थेसिया, MS ऑर्थोपेडिक, ये जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होती है ब्रॉड स्पेशलिटी के, तो इसके एडमिशन के लिए ये इसका स्कोर वैलिड होगा और इसके बेसिस पे रैंकिंग होगी। तो इसका मेन मकसद क्या है, ब्रॉड स्पेशलिटी में जो PG नीट हुआ करता था, तो जब से ये नेक्स्ट लागू होगा, जब ये PG नीट जो पुराने होती थी, अब वो कैंसिल हो जाएगी, PG नीट नहीं होगा ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो कि पूरे 90,000 मेडिकल अंडर ग्रेजुएट जो थर्ड ईयर Part 2 यानी कि फाइनल MBBS का पे जो आते हैं, और जब वो कंप्लीट करते हैं 4.5 साल का जो टोटल कोर्स करते हैं, जब ये नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, ना कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, बल्कि जो जिन्होंने फॉरेन मेडिकल एजुकेशन यानी कि फॉरेन बाहर से जो भी मान्यता प्राप्त है NMC के द्वारा, जो भी कंट्रीज से जो फॉरेन डिग्री लेके आते हैं, जो इंडिया में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते, तो वो भी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम देना। पहले जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता था FMG, तो उसके बदले में ये नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा। तो इसका मकसद दो है इम्पॉर्टेंट, एक तो ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, ये क्लियर करें के बिना आप मॉडर्न यानी कि एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते इंडिया में, और जो MBBS के बाद MD MS की जो डिग्री लेनी होती है, तो वो डिग्री लेने के लिए ये नेक्स्ट एग्ज़ाम MBBS उसके लिए PG एंट्रेंस यानी कि जो PG एंट्रेंस सो कॉल्ड PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ये रैंकिंग के लिए इसके मार्क्स काउंट होंगे, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कितने स्टेप्स में होगा, तो इनके जो
ड्राफ्ट रेगुलेशन के अनुसार नेक्स्ट एग्ज़ाम टू स्टेप्स में होगा, नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। ओके, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू यानी कि दो स्टेप्स में होगा। सो ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये कब होगा और ये एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा अभी हम डिस्कशन करते हैं। जो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, जो यूनिवर्सिटी का फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम होता था, आमतौर पे फाइनल ईयर में चार सब्जेक्ट्स होते थे, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक। तो इसका ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट के जो दूसरे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होते थे, तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ अपना एक थ्योरी एग्ज़ाम और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहते थे। अभी से क्या होगा, जब से ये नीट नेक्स्ट एग्ज़ाम जब से लागू होगा तब, तो ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होता था मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी एंड गायनेकोलॉजी, ये नहीं होगा। उसके बदले नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाएगा जब से ये लागू हो जाएगा। तो थ्योरी एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ एज पर सर्कुलर, मैं सर्कुलर भी आपको डिस्प्ले करके बताऊँगा अभी। तो ये नेक्स्ट वन जो है, इट विल एक्सक्लूड दी फाइनल MBBS थ्योरी एग्ज़ाम। सो फाइनल MBBS का जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा, होता था पहले थर्ड ईयर पार्ट फर्स्ट में, थर्ड ईयर पार्ट टू यानी थर्ड फेज पार्ट टू का जो होता था, अभी वो कैंसिल होके नीट नेक्स्ट वन उसकी जगह ये एग्ज़ाम लिखेंगे। और ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होता था नॉर्मली 100 मार्क्स का वगैरह, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट मार्क्स के होते थे, उसमें 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, थ्योरी लिखा होता था। लेकिन अभी ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये पूरा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। और इसमें जो है 6 सब्जेक्ट्स के पेपर्स रहेंगे, उसके बारे में अभी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा आपको, 6 सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे और उसके उसमें पूरा डिटेल्स बता दिया गया है कि कितने मार्क्स का होगा, कितने आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा, कितने दिन तक रहेगा, सो भी अभी मैं डिस्कशन करूंगा। तो राइट नाउ इतना याद रख लीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो है ये जो फाइनल MBBS का जो होता था, जैसे थर्ड फेज पार्ट टू आपने कंप्लीट कर दिया, यानी 4.5 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेडिकल कॉलेज में, तब ये होगा। तो फाइनल एग्ज़ाम थ्योरी के बजाय योगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो MCQ बेस्ड रहेगा और इसमें आपको 6 सब्जेक्ट्स का, अभी जो मैंने रिसेंट प्रीवियस वीडियो डाला था कि सिलेबस में, तो जैसे आपको देखे होंगे 17.5 मंथ्स होते हैं फाइनल MBBS पार्ट टू में, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, OBG, पीडियाट्रिक, ऑफ्थाल्मोलॉजी एंड ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी यानी ENT, ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स पर ही ये बेस्ड MCQ रहेगा। सिर्फ ये 6 ही नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी महत्व है, वो कैसे मैं भी बताता हूँ पहले, लेकिन मैं बताता हूँ ये 6 सब्जेक्ट्स मेन रहेंगे। ये कौन से हैं, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन कह सकते हैं इसको, मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स उन्होंने कहा है, तो मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स आ जाता है। अलाइड सब्जेक्ट्स यानी कि इसके अंदर सब आ जाता है, एनेस्थेसिया, स्किन, रेडियोलॉजी, साइकियाट्री, ओके, फैमिली मेडिसिन, जो भी नए नए न्यूक्लियर मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो भी अलाइड सब्जेक्ट्स आजकल आते हैं, ठीक है। फिर मेडिसिन के बाद जनरल सर्जरी, ओके, सो जनरल सर्जरी में उसके अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, ओके, वो सब चीज़ें उसमें आते हैं। फिर थर्ड सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट, OBG, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक्स एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है जो आपके थर्ड फेज पार्ट वन में पहले हुआ करता था, अभी पार्ट टू में, जो कि 17.5 मंथ्स का होगा, पहले जो है जस्ट 14 मंथ्स या एक साल या 1.5 साल के करीब होता था, अभी उसको 17.5 मंथ्स यानी कि एक साल या 14 मंथ्स का होता था मैक्सिमम। तो अभी इसमें और एक एक्स्ट्रा ऑफ्थाल्मोलॉजी, जो कि थर्ड फेज पार्ट वन में पढ़ा जाता था, तो ऑफ्थाल्मोलॉजी यानी कि आई स्पेशलिटी का जो ब्रॉड स्पेशलिटी का जो कोर्स होता है MS ऑफ्थाल, ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी यानी कि ENT, ओके, राइनोलैरिंगोलॉजी, तो ये 6 सब्जेक्ट्स, लैरिंगोलॉजी, तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये 6 सब्जेक्ट्स पर ENT, ये 6 सब्जेक्ट्स पर ये जो नीट एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट वन होगा। और इसका महत्व क्या है, ये फाइनल MBBS का जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसी की तरह है, वो क्रॉस करने के बाद ही आप इंटर्नशिप कर पाओगे और आपको प्रोविजनल डिग्री मिलेगी इंटर्नशिप यानी कि इंटर्नशिप करने के लिए। अगर आप ये पास नहीं करते हो तो ये एज इज आपने फाइनल MBBS
का थ्योरी एग्ज़ाम पास नहीं किया और आप इंटर्नशिप को जा ही नहीं सकते। उसका सेकेंड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी एंट्रेंस, जो पीजी नीट का एग्ज़ाम होता था जिसमें ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग होती थी, स्टेट लेवल पे भी रैंकिंग होती थी, जिसके तहत आपको एमडी या एमएस ब्रॉड स्पेशलिटी की जो सीट्स मिलते हैं, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, दो उसके महत्व हैं नीट नेक्स्ट वन का। तो ये जो छः सब्जेक्ट्स हैं, तो छः सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने होते हैं, तो इसके मार्क्स भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। ये बेसिकली एमसीक्यू रहेगा, ये मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के 120 मार्क्स होते हैं, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट के भी 120 मार्क्स है, ओबीजी के भी 120 मार्क्स इन्होंने बता दिए हैं, पीडियाट्रिक्स के 60 मार्क्स बताए हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजी के 60 एंड ईएनटी के 60। तो आप उसको अगर टोटल करेंगे तो तकरीबन इट इज़ इक्वल टू 540, ओके, इट विल बी अराउंड 540 मार्क्स। सो ये 540 मार्क्स का ये पेपर होगा। नॉर्मली जो नीट एग्ज़ाम होता था ये 200 मार्क्स या 180 मार्क्स में 19 सब्जेक्ट्स का होता था, अभी ये मेनली 6 सब्जेक्ट्स का 540 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन ये रहेगा। और इसको पास होने का क्राइटेरिया क्या है, 50% पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स हर पेपर में इंडिविजुअली ज़्यादा लाना है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में 120 है तो आपको 60 मार्क्स लाने हैं उसमें, सर्जरी में 16 उसमें, वरना फेल, थियरी एग्जाम जैसा फेल होते थे वैसा फेल हो जाएंगे। तो ये 6 पेपर रहेंगे एमसीक्यू में टाइप या जो भी है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, क्या ये एक ही दिन में 540 मार्क्स का रहेगा, तो इन्होंने बताया नहीं, 3 दिन में रहेगा। तो फर्स्ट डे जो है ये जो है 3 घंटे का रहेगा, 3 आवर्स का जनरल मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स का रहेगा, और उसके साथ जो है पीडियाट्रिक का रहेगा, 2 घंटे का ब्रेक होगा। पहले जो है फॉर एग्जांपल ले लीजिए 9 to 12 3 घंटे का अगर पेपर है, फिर उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर से फॉर 1.5 आवर्स का 60 मार्क्स का पीडियाट्रिक का रहेगा। तो फर्स्ट डे ये रहेगा 3 आवर्स एंड 1.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या रहेगा, नेक्स्ट डे सर्जरी का 3 आवर्स का रहेगा, सर्जरी एंड अप्लाइड ब्रांचेस जैसे एक ऑर्थोपेडिक आ गया, हाँ, तो उस वो 3 आवर्स का रहेगा। और उसके बाद जो है उसमें मेरे ख्याल से ये ओटोरिनोलॉजी यानी कि ईएनटी है, हाँ, तो ईएनटी रहेगा, वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद, फिर ये भी 1.5 आवर्स का रहेगा। नेक्स्ट डे नहीं रहेगा, एक दिन ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे मेडिसिन और पीडियाट्रिक रहेगा, उसके बाद एक दिन ब्रेक आएगा, उसके बाद नेक्स्ट डे में सर्जरी मेजर सब्जेक्ट है जो 120 3 घंटे का रहेगा, उसके बाद 2 घंटे ब्रेक रहेगा, फिर से 1.5 घंटे का 60 मार्क्स का ये ऑफ्थाल्मोलॉजी या ओटोरिनल मोस्टली ईएनटी, मैं आपको वो सर्कुलर भी अभी डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक दिन ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट डे ओबीजी का फिर से 120 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे उसके बाद ओबीजी का फिर से 120 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर रहेगा, फिर 2 घंटे ब्रेक रहेंगे, फिर से 1.5 घंटे का ऑफ्थाल या ईएनटी में से कुछ है, अभी आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली ऑफ्थाल रहेगा, 1.5 आवर्स रहेगा, ठीक है। तो ये रहेंगे। तो अब व्हाट अबाउट प्री एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस, सो जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन है, और फार्माकोलॉजी है, तो ये सब्जेक्ट्स का क्या होगा, इसमें क्या क्या उसके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके अप्लाइड एस्पेक्ट, जो प्री पैरा के जो अप्लाइड एस्पेक्ट रहेंगे, यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, इसके 10% क्वेश्चंस जो है मेडिसिन या अलाइड, ये जिसमें इससे रिलेटेड मेडिसिन, सर्जरी, ओबीसी में जो भी हो इससे रिलेटेड एनाटॉमी के क्वेश्चंस या फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस या बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस, इसके जो अप्लाइड जो बेसिक सब्जेक्ट्स के अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं 10% जो है, फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स में से 12 मार्क्स वो बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे, बट रिलेटेड टू दैट, क्योंकि अभी इंटीग्रेटेड लर्निंग है, सो इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो मेडिसिन से रिलेटेड एनाटॉमी का कोई क्वेश्चन उसका है तो पूछा जाएगा, सर्जरी से रिलेटेड एनाटॉमी का क्वेश्चन है, या ओबीसी से रिलेटेड कोई फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो रहेगा। फिर कम्युनिटी मेडिसिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसका भी 10% जो है रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ प्रोग्राम्स हैं या जो भी है उसका जो कम्युनिटी मेडिसिन के जो भी टॉपिक्स हैं वो इसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, ऑफ्थाल्मोलॉजी वगैरह, ये सब में पूरे 6 सब्जेक्ट के, उसके भी एक 10% रहेंगे, यानी कि 20% यानी 120 में से 20% मेडिसिन में जो है 10% कम्युनिटी मेडिसिन रिलेटेड एंड
10% तो बेसिक सब्जेक्ट्स रिलेटेड रहेंगे, उन्होंने क्लियरली उसका नोटिफिकेशन उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो अलाइड सब्जेक्ट यानी टोटल 19 सब्जेक्ट्स का क्रक्स इसमें रहेगा। फिर उन्होंने और डिटेल्स बताए हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे अभी देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि 65% जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एनालिटिकल रहेंगे, यानी कि वो इतने सिंपल रिकॉल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, टाइफाइड इज कॉज बाय विच बैक्टीरिया, ऐसे पहले आते थे ना सिंपल वन वर्ड आंसर रिकॉल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो नहीं। ये जो है आपकी एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपकी नॉलेज आपको अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि एक वो केस बेस्ड रहेगा, एक पूरा 5-6 लाइन का क्वेश्चन शायद रहेगा, या आंसर में भी 2-3 लाइन के ऑप्शंस हो सकते हैं कि कोई पेशेंट आया है उसको ये प्रॉब्लम्स है, तो व्हाट इज़ योर पॉसिबल डायग्नोसिस, ठीक है। तो वो उसमें पूरा डिटेल, यानी आपकी अपनी नॉलेज, यानी जस्ट रट्टा मारने से नहीं रहेगा, आपको डीप नॉलेज रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 65% जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 540 में से, वो आपकी पूरी आपकी अप्लाइड स्किल्स पे, आपको कैसे आपने अपनी नॉलेज अप्लाई करके कितना समझा है, वो क्वेश्चंस टाइप रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 25% जो है कॉम्प्रिहेंशन यानी एक्सप्लेनेटरी रहेंगे, और जस्ट 10% जो है रिकॉल क्वेश्चंस रहेंगे, रिकॉल रहेंगे, ओके। रिकॉल यानी कि जस्ट इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग विच विल कॉज दिस, व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ दिस, जैसा वन लाइन आंसर जो कैसे कहते हैं रिकॉल क्वेश्चन यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो 10% ऑफ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसका डिटेल्स भी उन्होंने बताया, ये है नेक्स्ट वन। तो ये नेक्स्ट वन कब होगा, थर्ड एमबीबीएस पार्ट टू कंप्लीट होने के बाद ये होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, ये पास करने के बाद ही आप इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्कोर होगा, ये आपको इंटर्नशिप के बाद जो पीजी नीट होता था वो नहीं होगा, इसके स्कोर के ऊपर ही आपने टोटल ये जो एग्रीगेट 540 मार्क्स लिए हैं इसके बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग होगी, और ये रॉ स्कोर होगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट में आ गया, इसमें भी इन्होंने डिटेल्स नहीं बताया नेगेटिव मार्किंग से या जो भी है, पॉइंट में भी रहा तो नियरेस्ट रॉ नंबर पर उसको रख के इसका उसकी टोटल डालेंगे और उसके बेसिस पे रैंकिंग होगी। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का भी प्रोविजन दिया है नेक्स्ट वन का, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ एक आध महीने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट वन होगा इसके साथ यूनिवर्सिटी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, जो आमतौर पे होता था हमारा मेडिसिन सर्जरी ओबीजी पीडियाट्रिक का जो क्लिनिकल साइड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, वो भी होगा। तो फाइनल एमबीबीएस 4.5 ईयर्स के बाद आपको थ्योरी एग्जाम नहीं देना है, नेक्स्ट वन देना है, प्लस आपको क्लिनिक जो प्रैक्टिकल एग्जाम, वो नेक्स्ट टून की अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम, जब आप दोनों पास होते हैं थ्योरी के बजाय नेक्स्ट वन, और वो जब यूनिवर्सिटी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम बस पास और फेल, उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर पास हो गए तो काफ़ी है, इसके मार्क्स आपकी रैंकिंग पे आएगी, ठीक है। तो इसके मार्क्स आएंगे और वो उसका परफॉर्मेंस आपका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं क्या नहीं, वो भी स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड ऑस्की होगा, वो ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा वो, ठीक है। तो ऑस्की टाइप क्वेश्चंस होंगे, केसेस दिए जाएंगे कॉमन केसेस वगैरह, तो वो एज पर प्रोटोकॉल उसके भी गाइडलाइंस होंगे वो होगा। तो वो पास करने के बाद आप इंटर्नशिप कर पाओगे एक साल की, वो अगर नहीं कर पाए तो आप इंटर्नशिप, अगर फेल हो गए उसमें से दो में से भी एक तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पास होना है, ठीक है, पास हो गए इंटर्नशिप भी हो गई एक साल की। इंटर्नशिप के बाद आता है नेक्स्ट टू, ये एग्ज़ाम आता है जो कि है प्रैक्टिकल बेस्ड, ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड। आपने जो भी मेडिसिन सर्जरी या जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में वहाँ पे आता है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और इसमें सिर्फ पास और फेल होगा, कोई मार्क्स वगैरह नहीं देंगे, पास और फेल। आपने अगर सेटिस्फैक्ट्री पास हो गए, पास, बस, फेल हो गए, फेल। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। अगर आप ये पास होते हैं नीट नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू, तभी आपको फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा एलोपैथी प्रैक्टिस करने के। नेक्स्ट वन पास करने के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा कि आप एज ए डॉक्टर, एज एन इंटर्न प्रैक्टिस कर सकोगे, ओके। लेकिन इंटर्नशिप के बाद नेक्स्ट टू के बाद आप पूरे एज ए फुल्ली MBBS ग्रेजुएट यानी कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट होकर प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्होंने डिटेल बता दिया, नेक्स्ट वन जो है इंटर्नशिप से पहले है, और फाइनल MBBS थ्योरी एग्जाम और PG नीट के बदले ये रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, उसके पूरे डिटेल्स उन्होंने बता दिए हैं। और मैं आपको एक सर्कुलर ही बता देता हूँ, इसका रेफरेंस पहले ही बता दूँ कि इसका अभी ये जो सर्कुलर आया है NMC.org के जो वेबसाइट है उस पर ये सर्कुलर आया हुआ है। तो ये इसका सर्कुलर डेटेड है 20
8th of December, हाँ, तो आप देख सकते हैं www.nmc.org इस वेबसाइट पर ये पब्लिक नोटिस दी गई है। तो इसके तहत इन्होंने पूरे डिटेल्स बता दिए हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो इन्होंने बता दिया कि पार्ट वन और पार्ट टू में कौन से रहेंगे। तो ये अगर आप देख सकते हैं तो ये पार्ट वन में ये सब्जेक्ट्स है जिससे मैंने आपको बता दिया था, 6 सब्जेक्ट्स है। साथ में अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड MBBS, अप्लाइड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल कवर्ड अंडर थर्ड दिए, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो प्रैक्टिकल यानी कि नीट स्टेप टू है तो उसके लिए भी उन्होंने पूरे बताया। इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट जो पहले बताया और एक ऑर्थोपेडिक एंड फिजिकल एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, ओके, ये सब्जेक्ट है, ये बता दिया है। एक 7 सब्जेक्ट भी है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 7 सब्जेक्ट्स का होगा और जो MCQ टाइप होगा वो 6 सब्जेक्ट्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा डिटेल्स बताया नेचर ऑफ स्कोरिंग कैसी होगी, क्या होगी। तो इसमें जो है MCQ टाइप होगा, उन्होंने वो बता दिया है। और नीट नेक्स्ट टू यानी कि सिर्फ पास और फेल बेस्ड रहेगा। और मिनिमम स्कोर पासिंग का उन्होंने वही बता दिया कि 50% लाने हैं टोटल आउट ऑफ 100% में जितने भी क्वेश्चन हो, तो 50% उन्हें पास क्राइटेरिया है नीट नेक्स्ट वन का, नेक्स्ट टू का सिर्फ पास और फेल क्राइटेरिया है। फिर कैलकुलेशन, अब ये जो इसके स्कोर्स हैं उसकी अहमियत क्या है और उसका अगर हम चाहें तो इम्प्रूव भी कर सकते हैं क्या, उन्होंने पूरा डिटेल बता दिया है कि मान लीजिए अगर नेक्स्ट वन में कोई एक सब्जेक्ट में अगर कोई आप फेल हो जाए तो उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आएगा तो आप उसमें पास हो सकते हैं। तो जब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी नेक्स्ट टू के बाद तो आपका कौन सा स्कोर लिया जाएगा जिस एग्ज़ाम में आपने पास हुआ है, तो फाइनली जो एग्ज़ाम में आप पास हुए हैं वो लिया जाएगा। और ये भी प्रोविज़न दिया है कि आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने स्कोर को, लेकिन इम्प्रूव करने के लिए 1 साल के बाद ही होगा। नेक्स्ट टू देने के 1 साल के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम लिखनी पड़ेगी, तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करके अच्छी रैंकिंग लेके ये कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में भी उन्होंने क्लियरली दे दिया है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बार भी नेक्स्ट लिखो, हर साल 2 बार आएगा, एक मेन एग्ज़ाम रहेगा नेक्स्ट और एक सप्लीमेंट्री, आप कितने बार भी लिखो। लेकिन आप MBBS या मेडिकल अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है इंडियन मेडिकल वो ज्वाइन होने से 10 साल के अंदर आपको नेक्स्ट वन यानी नेक्स्ट टू निकालने हैं, ठीक है। यानी 4.5 साल यहाँ गया, इंटर्नशिप 5.5 साल आपको, यानी एक विंडो मिल जाएगी 4 से 4.5 साल, उसके बाद नहीं, 10 साल के अंदर आपने ज्वाइन करने के बाद आपको नेक्स्ट वन या नेक्स्ट टू क्लियर करनी है, आपको मॉडर्न मेडिसिन ये करनी है। आप कितने बार भी दो नेक्स्ट एग्जाम, इन्होंने इतना पूरा क्लियर कट दे दिया है। जैसे मैं आपको बताया था, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स पे 65% क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रीहेंशन टाइप में 25%, रिकॉल टाइप में 10% होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके बता दूँ, ये क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, तो इसमें मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि अब जस्ट रट्टा मारने से नहीं चलेगा, आपको पूरा इन डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में मालूम होना पड़ेगा, बेसिक सब्जेक्ट्स और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, तभी आप लिख पाओगे, एग्जाम क्लियर कर पाओगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन टाइप यानी एक्सप्लेनेटरी टाइप एंड रिकॉल टाइप जो है 10% टाइप, ठीक है। और लेवल ऑफ नॉलेज कैसे असेस करेंगे, इसमें मस्ट नो यानी कि जो बेसिक कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन टॉपिक है, उसका 60% उसमें से लिया गया, 30% नाइस टू नो और एंड मे नो यानी डिजायरेबल टू नो, तो वो 10% रहेंगे, ओके। पेपर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, फिर से आपको बता दूं, देखिए ये 3 घंटे का जो मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी, OBG का, ये 3 सब्जेक्ट्स 120 मार्क्स का होगा। आइटम्स लिखा है उन्होंने तो इसका मतलब MCQ भी हो सकता है, और ये पीडियाट्रिक, ऑटोरिनोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी है। फिर यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, उन्होंने बताया कि फर्स्ट डे 5 दिन तक चलेगा एग्ज़ाम नेक्स्ट वन, तो पहले दिन 3 घंटे मेडिसिन एंड लाइट सब्जेक्ट्स का होगा, फिर 2 घंटा ब्रेक होगा, फिर पीडियाट्रिक रहेगा, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था सर्जरी होगा, सर्जरी एंड अलाइट सब्जेक्ट फॉर 3 आवर्स, 1 दिन का रेस्ट होगा, नो एग्जामिनेशन सेकेंड डे, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद ओटो राइनोलारिंगोलॉजी यानी कि ENT होगा, फिर लास्ट में OBG रहेगा 3 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, फिर ऑफ्थाल्मोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो ये था वो नेक्स्ट वन के बारे में। नेक्स्ट टू जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स वगैरह वही है, तो उन्होंने ये भी दे दिया है कि कौन से कब टेंटेटिवली स्टार्ट होगा, तो 2nd week of December में ये स्टार्ट होगा, और इसका रिजल्ट जो है 2nd week of January तक आने चाहिए नेक्स्ट वन का, ठीक है, स्टेप वन का। और स्टेप टू का जो है इंटर्नशिप के बाद है, जो कि 2nd week of March में आएगा अगले साल के अगले साल, और 1st week होगा, उसके बाद उसकी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 जुलाई से, इन्होंने टेंटेटिवली या रफली बता दिया है। तो बस आपको मैं फिर से बता दूँ मोटे 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 तरीके से कि ये नेक्स्ट एग्ज़ाम एक्चुअली है क्या। तो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है
इट्स ए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और पीजी एंट्रेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये किस 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 के लिए है, जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इन्हों ये नेक्स्ट एग्ज़ाम लिखना ज़रूरी है, स्टेप वन एंड स्टेप टू, टू पास इन टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। एंड ऑल्सो इट्स एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि ये पीजी एंट्रेंस के लिए इसके मार्क्स स्कोर ये हैं। तो यही है, अभी चेंजेस शायद हो सकते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कौन से बैच के लिए लागू होगा। तो बाई रूल 2019 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो बैच के लिए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस थे, शायद उनसे हो जाए। तो अगर वो बैच है तो मोस्टली दिसंबर 2023 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर ना हो, यानी कि 2024 में जो एडमिशन्स हो ये लागू हो। बट अभी क्योंकि कोविड के लिए बहुत से चेंजेस हो गए थे, पता नहीं, लेकिन इन्होंने 2021 बैच और 2022 का एनएमसी वालों ने क्लियर कट दे दिया है कि उनका नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। उन्होंने पूरी गाइडलाइंस उनके सर्कुलर दिया, तो 2021 22 को तो श्योर है उनका कब होगा, उसका गाइडलाइंस भी है और उसका उन्होंने अभी पूरा ये डिटेल्स ये भी बता दिए हैं, मार्क्स वगैरह। तो अभी मोस्ट प्रोबली और उन्होंने क्लेरिफिकेशन नेक्स्ट इसमें जब गैजेट में आ जाएगा तो पूरा डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।